أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. बहुत शुक्रिया. जजाक अल्लाह. बहुत शुक्रिया भाई आने का. मुंबई में लैंड हो चुके हैं. Assalamualaikum everyone. This is Yazdan. आज है लास्ट डे मदीना में. आज सुबह मेरी फ्लाइट है यहाँ से जिद्दा, जिद्दा से बॉम्बे. ओके सो अभी हम जा रहे हैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए टू कुबा मस्जिद विद मिस्टर कफिल भाई. वालेकुम अस्सलाम. माशाल्लाह. और ये हमारे मौलाना साहब और ये हमारे प्रोफेसर साहब. अस्सलाम वालेकुम. सर सामने जो है जुमा मस्जिद माशाल्लाह है ना जी. जी जी. ओ रसूल आमी खातम अल मुरसली तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं. है अकीदा ये अपना बस इद को यकीन. तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं. माशाल्लाह तबारकअल्लाह कितनी बेहतरीन प्यारी मस्जिद है. फजर के टाइम कुबा मस्जिद में आइए और आफ्टर फजर नमाज यहाँ का आप मंजर देखेंगे. ब्लू स्काई, स्काई ब्लू कलर का आसमान मिलेगा और उसके साथ जो ये मीनार है ना इतने जबरदस्त लगते हैं माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे. और भाई मौलाना साहब कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह. वीडियो क्लैश हो गया. क्लैश हो गया वीडियो. भाई आप तो ये वाली शॉप में थे ना अहमद परफ्यूम्स की. हाँ, तो अभी शिफ्ट हो गया आप. हाँ, अदनान भाई चले गए ना. अच्छा तो अभी इसीलिए आप ओबेरॉय में मिलते हो आजकल. सर ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये पूरी मस्जिद के ताल्लुक से तफसीर में लिखी हुई है. क्या अरबी में? ये पत्थर है क्या ये? हाँ पत्थर है माशाल्लाह. जबरदस्त. अच्छा आपका आप उस दिन बता रहे थे ना एक बार वहाँ पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी. इन केस में देखा था अंगूठी अपना भाई केस में देखा था. अच्छा अच्छा वो आगे की तरफ है तो वहाँ पे क्या अंगूठी गुम हुई थी? हाँ ऐसा मतलब बोला हुआ है कि उसके अंदर जो उधर एक कुआं था करके. हाँ हाँ कुआं था उसके अंदर गिरी हुई थी. अच्छा गिरी हुई थी? गिर गई थी. गिर गई थी जी. ओके देन मिल गई थी. बाग है पूरा ये जो इस तरफ दिख रहा है. हाँ हाँ बाग. अच्छा ये बाग है सहाबी का बाग. माशाल्लाह जब भी ये मस्जिद में आओ ना मैं हमेशा ये व्लॉग में बोलता हूँ. क्या होता है अलग महसूस एक दिल को सुकून मिलता है. माशाल्लाह पहले खोल देते हैं ऊपर आके. फजर के टाइम सुबह सुबह उठने में शैतान इतना बहकाता है, इतना बहकाता है भाई. ऐसे बोलता है कि सो जा भाई तू, कोई प्रॉब्लम नहीं है सो जा. फजर पढ़ लिया अल्लाह उसका मददगार कि हमारे दिन के काम निकल गए. माशाल्लाह जी सुन्नत पढ़ते हैं और नमाज के बाद मिलते हैं. अल्लाहु अकबर. हो चुकी है और यहाँ से जमजम भी पी लिया हमने माशाल्लाह तबारकअल्लाह. एंड अब वापस बाहर जाते हैं. ए रसूल आमी खातमल मुरसली तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं. ए रसूल आमी खातमल मुरसली मुस्तफ़ा मुज्तबा तेरी मद्दा हुसना दिल को हिम्मत नहीं लब को यारान. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي
قضي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم السلام عليكم تركي صبح صبح how you came brother ماشاءاللہ ادھر ایک یہ پرنٹ پہ پریشان کر رہی ہے یہ ہنی بھی جو ہے بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے بھائی یہ بہت موٹی ہے یہ دیکھو ہاں بٹ وہ دیکھ پیچھے آ گئی ارے 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 सबसे ज्यादा बड़ा जो परफ्यूम है रॉयल परफ्यूम है ऑफर जिसको आई थिंक अवार्ड भी मिला है दुबई में जी इसको अवार्ड भी मिला माशाल्लाह तुम्हारे तरफ बहुत शुक्रिया जजाकअल्लाह मोहब्बत के लिए भाइयों की खुर दिया है माशाल्लाह ये हमारा सिग्नेचर बकूर माशाल्लाह बकूर अहमद जजाकअल्लाह और कुछ टेस्टर्स भी दिए इन्होंने छोटे छोटे हाँ ये फॉर नेक्स्ट टाइम अगर उद क्लासिक उद लेवेंडर उद है समर उद माय फेवरेट ये भाइयों के साथ आज आखिरी दिन भाइयों ने दिया गिफ्ट माशाल्लाह जबरदस्त एकदम बोले ना कम वक्त में आपसे ज्यादा कनेक्शन हो गया माशाल्लाह जजाकअल्लाह ब्रदर सच में बहुत शुक्रिया अरे 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 उनके हाथ में थैली थी साथ भाई हमारे कफिल भाई हमारे सुफियान भाई चलो जी रोटी खा के मिलते हैं आपसे चलिए भाई बिस्मिल्लाह कीजिए जी ब्रेकफास्ट हो गया हमारा और अभी हम जा रहे हैं घर पे वापस रेडी होंगे और वापस नीचे उतर के एयरपोर्ट जाना है और भाइयों के साथ एयरपोर्ट जाएंगे माशाल्लाह चलो जी 1 hour later वो जी रेडी हो चुके हैं फॉर फ्लाइट चलो जी भाई हमें छोड़ने जा रहे हैं माशाल्लाह ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम हम तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह उठाना देख रहे हैं सो हम तुमको उसी किबले की तरफ जिसको तुम पसंद करते हो मुंह करने का हुक्म देंगे तो अपना मुंह मस्जिद हराम यानी खाने काबा की तरफ फेर लो और तुम लोग जहां हुआ करो नमाज पढ़ने के वक्त इसी मस्जिद की तरफ मुंह कर लिया हमारे कफिल भाई ने गाड़ी भगाई आज उड़ाई भगाई नहीं उड़ाई माशाल्लाह डिपार्चर वन हमारे कफिल भाई बहुत टेंशन में है भाई ऑल गुड ब्रदर जजाकअल्लाह ब्रदर लो जी कार्टन हमारा तैयार हो गया है कार्टन बोलते इसको माशाल्लाह ये हो गया सामान रेडी तो चलिए चलते हैं अभी लो जी अल्लाह करे हमारा जो कार्टन है थोड़ा ओवरवेट जा रहा है हाँ भाई हाँ थोड़ा सा इंशाल्लाह हो जाएगा अल्लाह के साथ सुनिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाना है सब हो जाना बंदे इधर लाइन लगी हुई है लगी जी ज़बरदस्त भीड़ है यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है आधा घंटा एक घंटा तो लगेगा जिस हिसाब से भीड़ दिख रही है उस हिसाब से थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया जजाकअल्लाह बहुत शुक्रिया भाई आने का बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच इंशाल्लाह भाई ध्यान रखो जजाकअल्लाह भाई बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम सलाम अलैकुम सलाम दुआ में आप फाइनली चेक इन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दूसरा बैग था ये दो बैग्स लेके जाने नहीं देते हैं भी आप मदीना आओ मक्का आओ और आपकी फ़्लाइट हो वापसी की
तो मेक श्योर करो। अभी कैसा होता है ना, हम बहुत ज़्यादा सामान ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा हम शॉपिंग कर लेते हैं, तो फिर लेके जाने में थोड़ा मसला होता है। तो हमेशा एक ध्यान रखो कि आपके पास जाते टाइम एक ही बैग होना चाहिए, मतलब प्लेन में चढ़ते टाइम एक बैग, दो बैग, जैसे अभी मेरा ये पीछे वाला एक और ये एक, ये दो बैग नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेगा, वो भी 500 रियाल, समझ रहे हो, 500 रियाल, अराउंड 11,000, 11,500 के आसपास होता है इंडियन रुपीज़। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, फंस जाओगे। और या तो एक पूरा कार्टन बनवा लो, कार्टन मतलब एक बॉक्स बनता है बाहर एयरपोर्ट के बाहर, मैंने वैसे ही किया बाहर, मेरे पास 3-4 बैग थे तो एक बड़ा बॉक्स बनाया मैंने, उसमें सब डाल दिया। और एक चीज़ जो अपन लगेज बैग देते हैं, मतलब जो आप काउंटर पे जो जमा कराते हैं बैग, तो वो भी दो होने चाहिए। उसका वेट साइज़ आई थिंक 30-35 के आसपास चल जाता है, ठीक है, बट दो ही बैग होने चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो अगर आपके पास ज़्यादा मल्टीपल बैग्स है ना, तो बाहर से कार्टन में बड़े से बॉक्स में उसके अंदर डलवा दो सारे बैग्स, वो चल जाता है, कोई मसला नहीं उसका, ठीक है। और बाकी ये चीज़ ध्यान रखो, नहीं तो बहुत पैसा खर्चा होता है भाई एयरपोर्ट पे, ध्यान रखो। चलो जी, चेक इन हो गया, चलते हैं अभी, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑटोमेटिक है भाई सब इधर, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 11 बज रहे हैं, हमारी फ़्लाइट आई थिंक अराउंड 12 के आसपास है, यहाँ से जिद्दा जाएंगे 1 घंटे में, फिर वहाँ से 6 बजे की फ़्लाइट है टू मुंबई, और मुंबई में पहुँचेंगे हम सुबह के 1 बजे। काफ़ी लंबा सफ़र है, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मदीना को छोड़ के जा रहे हैं, बट इंशाल्लाह दोबारा वापस आएंगे। जैसा कोई नहीं ए रसूले आमी खतमल मुरसली मुस्तफा मुज्तबा तेरी मत्ता हुसना दिल को हिम्मत नहीं लब को यारा नहीं ए रसूले आमी खतमल मुरसली दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे जुमला ओ साफ से खुद सजाया तुझे ए अज़ल के हसीया। लो जी, जिद्दा पहुंच चुके हैं, माशाल्लाह, दिस इज जिद्दा। 4 घंटे यहाँ पे रुक के एंड फिर यहाँ से अभी जाएंगे हम मुंबई, माशाल्लाह तबारकअल्लाह, दिस इज जिद्दा। गाइस, मुझे टेंशन हो रही थी वुज़ू की, बट अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे को ना ऐसे वुज़ू वॉशरूम में जाके करने को पता नहीं है कि कैसे होता है, क्या होता है, और एक आदत पड़ी हुई है मुझे कि जो वुज़ू है वो लाइक खुली जगह पे, स्पेस में। यहाँ पे जिद्दा एयरपोर्ट पे मुझे एक भाई मिल गया, वो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं और यहाँ के वो इंचार्ज थे, तो उनको मैंने मेरा मसला बताया तो उन्होंने मेरी हेल्प कर दी, एक बड़ा सा वॉशरूम दे दिया, एकदम क्लीन भाई साहब, माशाल्लाह, वुज़ू हो गया, अभी नमाज़ पढ़ेंगे। देखिए माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त है भाई, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली हमारा चेक इन हो चुका है, वीडियो बना रहे थे, पुलिस वालों ने पकड़ लिया था क्योंकि वो लोग वीडियो में आ गए थे, मुझे लगा अभी मेरा पूरा फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा, 4 दिन के जो ब्लॉग बने हुए, मेहनत की हुई है सारी पानी में, बट देवर वेरी स्वीट यार, बहुत स्वीट थे वो, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बस सिर्फ खुद को क्रॉप किया एंड दैट्स मुझे छोड़ दिया। ये देखो भाई, तो इसलिए कभी भी सऊदी आओ तो पुलिस वालों को कैप्चर मत करो, मुझे ध्यान ही नहीं था एक्चुअली, मैंने ध्यान ही नहीं किया उनके ऊपर, बट वो कैप्चर हो गए, बट कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर जाके नमाज के लिए जगह देखनी है, फिर नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आई विल मिस मदीना सो मच, बहुत ज़्यादा। तौसीफ भाई का बहुत शुक्रिया है, और हमारे तुर्की भाई का भी, और जितने भी सारे भाई थे ना हमारे, सारे बहुत अच्छे थे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है प्रेयर रूम, यहाँ पे आप वज़ू भी कर सकते हो माशाल्लाह, दिस इज़ वज़ू, और यहाँ पे नमाज माशाल्लाह तबारकअल्लाह, पता ही नहीं था कि यहाँ पे वज़ू भी होता है। चलिए, मैं अभी जस्ट नमाज़ पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको आज एक बहुत एक प्यारी बात बताने वाला हूँ जो मैंने आज एक्सपीरियंस की पहली बार ज़िंदगी में, क्योंकि मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ और नमाज़ पढ़ी इंटरनेशनल ट्रैवल में पहली बार। और ये था प्रेयर रूम, ये आपको जो सामने दिख रहा है ये प्रेयर रूम है, ठीक है। यहाँ पे वुज़ू भी बना हुआ है, और वहाँ पे मतलब आप सोचो जमात बनी थी, ठीक है, तो मेरे बाजू में जो था एक अंग्रेज़ था,
मतलब उसने ट्राउज़र पहना हुआ, टी शर्ट पहनी हुई मस्त, ठीक है, बंदा नमाज़ पढ़ रहा है, वो भी एकदम ऐसे, मतलब जैसे एक, मतलब अपन देखते हैं ना एकदम अल्लाह का खौफ रखने वाला इंसान कैसे नमाज़ पढ़ता है वैसे, और उसके साथ में बाजू में कोई और देश का बंदा था और उसके बाजू में कोई और देश, और जो सामने पढ़ा रहा था जो इमाम साहब थे वो कोई और, माशाल्लाह, मतलब क्या देख के ना वो इतना अच्छा लगा ना कि मतलब हमारा इस्लाम कितना प्यारा है कि हर दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी रहने दो, बड़े से बड़ा अरबपति रहने दो, कोई भी रहने दो, या गरीब से गरीब रहने दो, कोई भी इमाम बन सकता है और उसके पीछे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और हम उसके साथ में खड़े हो सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, अपने अल्लाह ताला की इबादत कर सकते हैं, मतलब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, और इससे अच्छा मज़हब कौन सा हो सकता है बता दो मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, मदीना में मतलब माशाल्लाह तौसीफ भाई, मदीना के जो अहमद परफ्यूम्स के हेड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कैमरे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, मतलब उस बंदे ने ना मतलब मेरी इतनी हेल्प की है ना, मतलब इतनी हेल्प की है जिसकी कोई हद नहीं है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है, करने वाला सिर्फ अल्लाह है, बट अल्लाह ताला अपने ज़रिए से बंदों को आजमाता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। बीइंग अ न्यू मुस्लिम मुझे कुछ भी नहीं पता था, और आज मुझे मदीना के बारे में, मक्का के बारे में सब कुछ पता है, अल्लाह ताला ने उनको ज़रिया बनाया। और हमारा तुर्की भाई, उसको भी कैसे भूल सकते हैं, फिर उसके साथ उनके जो स्टाफ था उनका, कफिल भाई, फिर उसके बाद अपने सुफियान भाई, साद भाई, दो साद हैं, और अदनान भाई, और भी बहुत सारे हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, उबादा और भी हैं, नाम अगर मैं भूल गया हूँ तो आई एम वेरी सॉरी, बट सब ने बहुत मदद की, बहुत हेल्प की, बहुत प्यार दिया, एंड सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू, उन सब के लिए दुआ कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। सामने देखिए भाई क्या व्यू है, माशाल्लाह तबारकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त व्यू। चलो जी अभी जाके कुछ खाते हैं, भूख लग रही है, मदीना से जद्दा की फ़्लाइट थी, वहाँ पे एक जूस मिला था, वो जूस पीते हैं और उसके बाद जाते हैं यहाँ से। आई मिस माई होम नाउ, आई मिस मदीना ऑल्सो। चलो मम्मी डैडी से मिलेंगे इतने दिन के बाद, और दोस्तों से भी। सो गाइस एक मसला हो गया बहुत बड़ा, पहले तो मेरी मदीना की 2 घंटे की फ़्लाइट डिले हो गई, ठीक है, और अभी यहाँ से 3 घंटे डिले है भाई, मतलब 9 घंटे बस मैं वेट ही कर रहा हूँ बैठ के, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। इसमें एक चीज़ अच्छी हुई कि अगर मैं फ़्लाइट में चढ़ जाता 6 बजे तो मेरी मगरिब छूट जाती और ईशा भी छूट जाती, कज़ा नहीं होती, बट मुझे शाम में पढ़नी पड़ती, मतलब जब मैं वहाँ पे लैंड होता मुंबई में वहाँ पे मुझे पढ़नी पड़ती, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी मगरिब और ईशा दोनों यहाँ से पढ़ के निकलेंगे और सुबह वहाँ पे जाके फजर पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। मगरिब हो चुकी है ऑलमोस्ट, थोड़ी देर में अजान होगी, चलिए देखते हैं क्या बनता है। हमारे जो दोस्त लोग हैं वो लोग आ रहे थे पुणे से मुंबई पिक करने, तो अभी पूरा प्लान चेंज हो गया, कोई मतलब नहीं बनता है ना, तो वो सबका मतलब वो सब लोग इतना सोच रहे थे, इतना ज़्यादा सारी चीज़ें मतलब कि आएंगे एयरपोर्ट पे पिक करेंगे, बट अभी मुंबई वाले जो अपने भाई लोग हैं वो आने वाले हैं, और फिर मैं वहाँ से डायरेक्टली घर पे वापस जाऊँगा, तो लेट्स सी क्या बनता है, उनको हम पुणे में मिलेंगे इंशाल्लाह। एंड चलिए 3 hours later सुबह से रात हो गई है, फजर से निकला हूँ, देखो अंधेरा हो चुका है और यहीं पे इतना बड़ा ले ओवर हो चुका है हमारा, देखते हैं अल्लाह आफियत के साथ पहुँचा दे, और थक चुका हूँ सुबह से, हालत जाम है पूरी, कुछ खाता हूँ यहाँ पे है ना सुबह से, मतलब अकेले खाने को भी मन नहीं करता है यार, क्या करूँ, सुबह से कुछ खाया भी नहीं, पिया भी नहीं अच्छे से, और अभी कुछ फिर से खाता हूँ सो देट प्रोटीन मिले थोड़ी। लो जी आ चुके हैं प्लेन में, ज़बरदस्त यार, अपने को मिल जाए अगर विंडो सीट तो ज़बरदस्त है, माशाल्लाह तबारकअल्लाह। तो गाइस ये है आज का हमारा खाना, पिज़्ज़ा दिया हमें, अच्छा ये पिज़्ज़ा, अच्छा ये हुम्मस नहीं है, चॉकलेट आई थिंक, और ये वेजिटेबल्स हैं, जूस। 3
hours later. लो जी इंडिया पहुंच चुके हैं और ये हमें मिले हैं पुणे से ही हैं माशाल्लाह दादी जी जबरदस्त. सुबह के 4 बज रहे हैं माशाल्लाह. चलिए चलिए मुंबई में लैंड हो चुके हैं, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं, सामान आ चुका है, तो चलिए चलते हैं. बाहर निकल रहे हैं अभी माशाल्लाह तबारकअल्लाह हमारे भाई. अरे हाँ मिल गए मिल गए मिल गए. अरे वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? माशाल्लाह कैसे हैं? वालेकुम माशाल्लाह आ गए आप. अरे अरे क्या बात है भाई. अल्हम्दुलिल्लाह लेट 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 तो नहीं हुआ मैं? अरे मेरे को लगा मेरा बैग ही नहीं आएगा, मतलब बैग आ ही नहीं रहा था. कब से वेट कर रहा मैं. P6 स्टैंड. ए माशाल्लाह क्या बात है भाई. ओए 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 थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया. इधर से जाना है अभी हमें, भाई लोग जा रहे हैं. अहमद भाई देखो इतना भारी है नहीं जैसे उठाया हुआ है इन्होंने. बहुत शुक्रिया भाई. अरे भाई अल्लाह के घर से आगे बैठो. फाइनली आ चुके हैं मदनी मरकज जोगेश्वरी में, जहाँ पे हमेशा आते हैं हमारे भाइयों की मरकज है ये. अहमद भाई माशाल्लाह बहुत शुक्रिया आप आए. और हमारे इरफान भाई बहुत शुक्रिया भाई आप आए. अरे भाई क्या आप तो वापस आ गए माशाल्लाह. बहुत शुक्रिया भाई. मुझे वजू करते हैं, वजू के बाद नमाज पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह. A few minutes later. ये नमाज हो चुकी है हमारी और हमने नमाज भी होगी हमारी और दर्स भी सुन लिया. दर्स होता है ना, तालीम. उन्होंने वो 10 चीजें बताई हदीस से माशाल्लाह तबरक. अच्छा तालीम भी हो गया, मशवरा भी हो गया. अच्छा तालीम पहले नमाज, तालीम देन मशवरा. अभी रोटी पानी खाएंगे, थोड़ी नाश्ता पानी करेंगे, वेज करेंगे नाश्ता पानी. बड़ा सांबर इडली साउथ इंडियन पूरे वेज. पूरे वेज. अच्छा पूरे वेज. अच्छा वैसे आप वेज नहीं करते क्या? नहीं करते ऐसा नहीं है. नहीं मतलब नॉन वेज में क्या खाते हैं आप? सुबह सुबह में क्या खाते हैं? खीमा पाव. खीमा पाव अंडा खाते हैं जो आपने लेके आए थे. बॉम्बे की स्पेशलिटी है माशाल्लाह. बोले को इन्होंने जो लाए थे ना वो तो घर से लाए थे, वो तो बीवी के अलावा कोई नहीं बना सकता. कौन बोल रहा है देखिए आप देख लीजिए कौन बोल रहा है. मैं इनकी थोड़ी रखना चाह रहा हूँ. आप क्या रखना चाह रहे हैं? ये क्या बात है? हाँ भाई क्या बोल रहे थे? हम जाएंगे माशाल्लाह इनके घर से खाना आया था, बहुत अच्छा था, मेहनत से बनाए थे बनवाए थे. वो तो बहुत पुरानी बात है, वो बहुत पुरानी बात है. नई बात बताओ. ये आप हाथ क्यों रख रहे हो मुंह पे भाई, क्या हो गया? स्माइल ना दिख जाए उनकी कहीं. अभी सूरज निकल गए, टुलू हो गए, अब भांजे साहब का सोने का टाइम हो गया. इट्स टाइम टू स्लीप. ये सारी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है. वीडियो पे नहीं करनी चाहिए. गलत बात है. नहीं वीडियो पे नहीं, ये बात है असली है ही नहीं, हकीकत है ही नहीं. इनकार मत करो, ये झूठी बात है. ये बात से इनकार नहीं की जाती है. इनकार है, करना पड़ेगा. अमी साहब इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? पक्की बात है, पक्की बात है ना. ये सब भाई अपना राजा है, रात का राजा है. सॉरी ये सब गोदी मीडिया, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सब मिली जुली सरकार है. देखो हक कहीं कभी नहीं छुपता. जब कोई हक के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसकी आवाज दबा देते हैं. अमीर साहब, ये अमीर साहब है. अमीर साहब ही देखो, अमीर साहब का फैसला होता है. अमीर साहब ने फैसला कर दिया कि हमारे भांजे जी की शेड्यूल क्या होता है. अच्छा उनका क्या, ये यूएस के टाइम के हिसाब से चलते हैं. 12 घंटे पीछे, 12 घंटे बस. अभी ये नमाज के लिए वक्त निकालते हैं गाइस. नमाज होगी, नमाज प्रायोरिटी रखते हैं भाई. नमाज हो गई, खाना भी, खाने को प्रायोरिटी है क्या? नहीं नमाज को है. नमाज मेन नमाज. अच्छा मतलब खाने का भी प्रायोरिटी है. ये शरीर ऐसे ही बन रहा है उनका, अल्लाह की बरकत. नमाज से बन रहा हो शरीर, नमाज से बन रहा है. मैं उनको पूछा ना, मतलब बॉडी बॉडी, मतलब जिम में जाते हो क्या भाई? नहीं कभी नहीं, कभी नहीं गए भाई माशाल्लाह. जिम के आसपास से भी नहीं जाता. ये अल्लाह की रहमत है बस. ये नमाज की रहमत है गाइस. नमाज पढ़ो देखो, डोले शोले बन जाते माशाल्लाह. नमाज में हर एक चीज अल्लाह ने रखी है ना. बेशक
चलो जी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आए हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे फिर उसके बाद आमिर भाई के पास जाना है अपने को, यहाँ पे मिलेगा ब्रेकफास्ट। इतनी सारी शॉप्स घूम लिया अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं मिला, माशाल्लाह बंद है ये भी आज। चलो स्टेशन जाएंगे जो है वो कर लेंगे, कुछ नहीं कीमा वीमा सब चलता अपने को। अभी क्या उधर मैंने मुर्गा ही तो खाया है, अभी मुर्गे ही खा के आया हूँ मैं सऊदी में। घोटाला कीमा घोटाला घोटाला कीमा घोटाला खाने आए, माशाल्लाह कीमा घोटाला। लो जी घर से निकले थे हम डोसा इडली खाने, सब बंद है, वेज आपके साथ नॉन वेज ही खाना पड़ेगा, नॉन वेज ही खाएंगे अभी। ब्रेन मसाला, ब्रेन भुर्जी, ब्रेन चाट पट्टा, क्या ही है सब ब्रेन यहाँ पे, सब ब्रेन किडनी, ब्रेन किडनी भी मिलेगा, किडनी भी ब्रेन किडनी, ब्रेन किडनी अलग, अच्छा ऐसा भी है बकरे की, माशाल्लाह। सो गाइस ये है ब्रेकफास्ट, ये है कीमा, कौन सा वाला रेगुलर कीमा, कुछ भी नहीं, अच्छा रेगुलर वाला, नो घोटाला, नो घोटाला नहीं, घोटाला अहमद भाई खाएंगे, माशाल्लाह। ये पंचर नहीं करते क्या, हाफ फ्राई खाते हो आप? चलो जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मिलते हैं इंशाल्लाह पुणे में दोबारा, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत जल्दी आए हैं, थैंक यू इंशाल्लाह, आमिर भाई का वहाँ पर ट्रिप बनाते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अरे माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, क्या हाल है, माशाल्लाह नींद में एकदम जबरदस्त हो गए। हमारे आमिर भाई मराठी बोल रहे बच्चे के साथ, सात दिन वीडियो नहीं बनाए, अब कैसा लग रहा है आपको? और यासीन भाई क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, रात में काफी लेट आए आप माशाल्लाह। यासीन भाई के साथ ये हमारे आमिर भाई का घर, और यहाँ से ये आपका घर नहीं है क्या? नहीं, अच्छा मुझे लगा ये आपका घर है, अच्छा ओके, यहाँ से मुंबई, मुंबई दिखता है पूरा। अच्छा ये वही पहाड़ यही बोल रहे थे आप, वो पहाड़ पे ऊपर कैसे लेके आया मुझे को पता ही नहीं चला, मैं नींद में आया ना, अभी वो पहाड़ था क्या था मुझे पता ही नहीं, ऐसा लुढ़कता लुढ़कता हरा था, अभी क्या एक दिन से सोया नहीं अपन, बट क्या जबरदस्त व्यू है, ऐसा लग रहा है शिमला कुल्लू मनाली में खड़े हम, है ना, सामने देखो भाई व्यू जबरदस्त है माशाल्लाह, माशाल्लाह। आमिर भाई का ये नाइट ड्रेस देखो, फूल पत्ती, 5 hours later। So guys, finally उठ चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं, शाम के बज चुके हैं 5, असर भी पढ़ ली है, जोहर भी पढ़ ली है, और हमारा भाई अफान भी आ चुका है पराठे, माशाल्लाह तबारकअल्लाह। हम हैं मुंबई में बदलापुर में, है ना भाई? बदलापुर, अरे सलाम तो करो लोगों को, अस्सलाम वालेकुम, बेलापुर में, बेलापुर, बेलापुर सॉरी, बदलापुर, हाँ बेलापुर। आपको मैं यहाँ का भाई व्यू दिखाता हूँ, माशाल्लाह तबारकअल्लाह, व्यू देखो जबरदस्त, आय हाय 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 जबरदस्त, ये देखो ये पूरी फॉग में जमी हुई है मुंबई, मस्त एकदम जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ऐसे लग रहा है जैसे मैं लोनावला में खड़ा हूँ, ऐसा फील हो रहा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारी नींद हो गई है, बिकॉज मतलब 26 घंटे से ज़्यादा हो गया था मैं सोया नहीं था, तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी, तो आमिर भाई मुंबई में ही थे तो उन्होंने बोला चलो भाई इधर तुम आज इधर रहोगे, और उन्होंने मस्त एकदम यहाँ पे इंतज़ाम करके रखे थे, सो गए थे इधर, फिर उसके बाद अभी आमिर भाई आने वाले तो उनके साथ घर के लिए रवाना होंगे इंशाल्लाह। चलिए चलो चलो रोटी खाते हैं गाइस, आमिर भाई वापस आ चुके हैं ऑफिस से माशाल्लाह, देखिए अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह वालेकुम अस्सलाम भाई। चलो दीन इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है, हिदायत साफ तौर पर जाहिर और गुमराही से अलग हो चुकी है, तो जो शख्स बुतों से एतिकाद न रखे और अल्लाह पर ईमान लाए उसने ऐसी मजबूत रस्सी हाथ में पकड़ ली है जो कभी टूटने वाली नहीं, और अल्लाह सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है। अब यहाँ से निकल रहे हम टू पुणे माशाल्लाह, चलो भाई चले, चलिए चलिए चलो, हमारे यासीन भाई हमें पुणे आफियत से पहुँचा दे बस, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
अदनी चाय पी ना मैंने अदनी चाय तो वो ऐसी थी क्या मतलब नहीं सच में ऐसी थी जबरदस्त चाय ऐसी थी अरे एकदम पानी कम चाय ज्यादा दूध ज्यादा और पत्ती भी बहुत ज्यादा थी उसकी बॉम्बे में मिलता है लंबा पानी पानी कम हाँ चाय बॉम्बे में मिलती है ना हाँ सुबह सुबह आज वो घोटाला खिलाया है ना इमरान घोटाला भेजा फ्राई अरे कीमा सब खाया ले आओ आओ फिर उसके साथ पानी कम चाय अलग लेवल हाँ जबरदस्त चलो माशाल्लाह माशाल्लाह दुआ की कि नहीं आपने हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए दुआ की भर भर के डेली इंशाल्लाह बिल्कुल की सबके लिए काफी इतना वीआईपी सर्विस यार मैंने आज तक देखी नहीं उस बंदे को इतनी वीआईपी सर्विस मिली हो अप्रिशिएट करने वाली बात है ये ऐसा नहीं नहीं हाँ। पर जो लोग इतने ये मतलब काफी फेमस लोग हैं वो तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं तुमको इतना अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं दिल एकदम खुश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो गया सो गाइस हम भी जाने वाले हैं बहुत जल्दी साथ में इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल दिसंबर में इंशाल्लाह बिल्कुल मैं तो उसी दिन तुम्हारे साथ में मतलब मेरा वीजा नहीं लग गया था ना तो मैं दूसरे दिन आ रहा मेरा प्लान बन गया था भाई एक ही दिन में इनका प्लान एक दिन में बनता है लगेज चलो भाई अगर वीजा का सीन नहीं होता पक्के से मैं आता मैं वीजा का सीन नहीं होता पक्के से निकल जाता मैं तुम्हारे ये देखिए आफान सोया हुआ है इधर मतलब ये बंदे को नींद आ रही है मैं सोना मुझे चाहिए और ये सो रहा है न्यूज रिपोर्टर आगे सामने हमारे अफान भाई यो पधार रहे हैं भाई कितनी देर ये सुल्तान भाई कब से उठा रहे थे तुमको कहाँ थे सो रहा था भाई आराम से सो रहा था मतलब कितने घंटे सोते दिन में ये बताओ गाड़ी में बैठते ही 5-10 मिनट में पांच मिनट गायब आवाज बंद लास्ट टाइम हम लोग रात में तुमको छोड़ के निकले ना हाँ हाँ ये दोनों भाई में बोला तुम लोग गाड़ी चला लोगे क्या हाँ तो हमको गाड़ी चलाने को नहीं आती भाई पिछले बस में बैठे तुम गाड़ी में दोनों तो नीचे गाड़ी के चलो लगाया इसने और 5 मिनट में ये सो गया एकदम फुल एकदम सो गया 5 मिनट में किया था एक घंटा झूठ बात मत बातों बातों में लगा दिया हमको जुबे भाई को चाबी मार दी उसने स्टार्टर मार दिया जुबे भाई अपनी जुबेर भाई रुके नहीं बिल्कुल जुबेर भाई का मतलब इतनी स्टोरी चली एक के बाद एक स्टोरी तो मेरे को नींद ही नहीं है मतलब वो एक अच्छा होता है कोई गाड़ी में साइड वाला बात करने वाला हो तो आप अच्छे से ही करते हो मतलब गाड़ी टेंशन नहीं रहती फिर मेरे साथ सफर करेंगे भाई 3 लोकलो में सो जाऊंगा पीछे आराम से माशाल्लाह भाई जान मिस्टर अब्दुल्ला इज हियर वालेकुम अस्सलाम लो जी फर्स्ट टाइम हमारे भाई लोग आ गए हैं सामान उतारते हैं अभी हम ओए मैं तुमसे ये कहा था ठीक है क्या बात है ठीक है हां जी वालेकुम मिल लो ए आमिर भाई आपको बहुत दिनों से मतलब आपने बहुत बड़ा काम किया अभी हमारा जी कौन सा हमारी जिम्मेदारी आपने की है अरे बिल्कुल भाई हमारा हमारी जिम्मेदारी आपने की बहुत खुशी चलो जी घर पे आ चुके हैं फाइनली माशाल्लाह वाह वाह ये क्या बढ़िया बढ़िया सा ये अब्दुल्ला भाई आमिर भाई आपको तो पता ही होगा आप वीडियो आप देखते हो क्या ब्लॉग देखते हो इनके हाँ देखते ना सब देखते सब मालूम है माशाल्लाह ये तो बेहतरीन देखो कैसा सजा है दस्तरखान दस्तरखान सजा है खाइए लीजिए खाइए मुर्गे शुर्गे अरे आज के तुम नहीं नहीं मैं तो
और भाई सेट है मामला, सेट डबल सेट है मामला यार, तो माशाल्लाह। और भाई कैसा लग रहा है? बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत अच्छी बनी हुई पहले। मिस्टर अब्दुल्ला माशाल्लाह, आप सलाम लेते गए कौन सलाम, इतने पराठे खाए, पराठे इतने प्यारे पराठे देना, तो ऐसे पराठे कभी नहीं, तो जब भी लास्ट टाइम भी आया था, ये फर्स्ट टाइम लेके आए पराठे, पराठे किसने मतलब बचा के रखे नहीं थे मेरे, किसी से बोला भाई एक बचा के रखो, एक मिला मुझे, बहुत जबरदस्त था। क्या बोले? मेरा बेटे के साथ सब बर्थडे पापा निकाल रहे हैं, मेरे बेटे को याद रहते हैं ये लोग, ये जबरदस्त खिलाते हैं, आप हमको खिलाते बर्थडे पूरा हो रहा है, कोई विवाद नहीं होता, अभी ईमान वाले लोग हैं, वहाँ बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले रुकी गया ये भोजन के वाला, आप इनके तब देगी नहीं रहे, मैं तभी में देख लेता इधर कुछ नहीं आया था प्लेट में, भूल गया हमने दादा इसमें की दस दिन से मतलब बोला था, कहते बहुत खाऊंगा खाना, देखो खा ही नहीं रहा, बांध के दे दे, बहुत हो गया अभी, चावल खा रहे हैं, आइसक्रीम चावल खा रहे हैं, बस हो गया। सो गाइस आमिर भाई की बस हो चुकी है, मतलब टूस टूस के भरा है अंदर, टूस टूस रिश्तेदार है ये कहाँ पे गया, मक्का में गया, इसको गाड़ी मिली सब मिला, कौन करता, अपने रिश्तेदारों के पास चले जाओ, कोई मैं कहा इतनी सेवा नहीं करता, तो आप लोग अपना काम छोड़ के इसके पीछे भाग, कितनी बड़ी बात है जो बात है, और दिल से है, ये नहीं कि मैं ऐसे ऊपर से बोल रहा हूँ, ये देखो मेरे रोम पे खड़े हो जो बात होते हैं, हाँ मैं दिल से बात करता हूँ, ऐसे ऊपर से बोल दी अभी जब भी ठीक है, जो बात है सब सब इधर ही रह जाए, पैसा इधर रह जाए, खाना पीना सब, आदमी डेड हो गया तो खत्म, कौन किसको पूछना, जिंदे को पूछना चाहिए, जो जिंदा आदमी है ना उसको पूछना चाहिए, वो आप लोगों में क्वालिटी है इस बात की मिसाल है, अभी मर गया आदमी जाके पूछ लिया मर गया, हाँ जी मर गया ठीक है, अभी जिंदे आदमी को पूछना चाहिए कि कौन है भाई तुम, जिंदा भी दिखना चाहिए वो भी जिंदा है, ये बात ऐसा इसका बोलते हैं थर्टीन इंच है ना ये, थर्टीन हाँ कौन सा है रे, कौन सा है ये क्या चीज़ है, ये स्पीकर से क्या, नहीं 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 ये इसको इसके ऊपर ऐसे रखना, मैं वो काम करता था ना, मेरा जॉब करता था मैं कूलिंग, हाँ वो लैपटॉप इसमें बहुत आ रहे हैं, कैसा रहेगा इसको, बहुत इसमें आ रहे हैं भाई, भाई था कोई ईमान वाला आदमी मिले तो हो जाएगा, ये खुद इसको मालूम है, लाइन लगा के खड़े हैं, पता ही है बस, आप बोलिए बस, आपको परमिशन नहीं बाकी है, लो जी सब यहाँ पे चिल मार रहे हैं, जाओ अभी घर पे, अपने घर पे चले खाने वाला, मेरे भाई पूरे नीले लग रहे हैं, ये लाइट की वजह से पूरे नीले लग रहे हैं, अमेर के दांत भी नीले लग रहे हैं, मैं अपने कलीने घर पे आता हूँ, तो खाना खिलाने के लिए सबसे ज्यादा जितने भी होटल विटल जितने भी है, अभी सही एंगल है आपका, आपका एंगल अभी सही है, ये खाना खिलाने में सबसे ज्यादा ये है, और रब्बानी भाई आमिर भाई भी है ना एक्सपर्ट, और आपके भाई लोग भी उधर मुंबई वाले, वो तो पता क्या है ना, ये प्यार है ना, ये तो ऐसा सोने नहीं दिया कि आप उम्र में बड़े हैं,
मतलब बिल्कुल महसूस नहीं हुआ, एकदम दिल दिल खुश इंसान हुआ, कि फोन मार के आना मैं आ रहा हूँ ऐसा नहीं, फटाक दे नहीं आओ दरवाजे को सीधा, हर तो हर वक्त दरवाजे खुले हैं 12 महीने, वो बोलते हैं 24x7 वैसा, कभी भी आधी रात को भी आओ कोई दिक्कत नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, पक्का आएंगे अभी, कभी टाइम निकाल के आएंगे फुर्सत से शाम के वक्त में बैठेंगे। हाय अस्सलाम वालेकुम, हैव फन, टेक केयर, थैंक यू। लो जी सारे जा चुके हैं, थैंक यू सो मच यहाँ तक व्लॉग देखने के लिए, आज का व्लॉग यहीं बेंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, जज़ाकअल्लाह खैर, सी यू।